इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। फडणवीस सरकार ने किसानों के 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। सरकार के इस प्लान से राज्य के 90% किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ हो जाएगा। सरकार के इस ऐलान से प्रदेश को 79 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। महानगर पालिका सदस्य यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही। केंद्र आणि राज्य शासनाचे जे कर्मचारी आहेत किंवा केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त करणारे जे आहेत त्यांना या योजनेचा फायदा मिळेल। छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना के नाम से ये योजना तैयार की गई है। कुल मिलाकर 89 लाख किसानों को, 89 लाख किसानों को इसमें 34,000 करोड़ का फायदा होगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 1.5 लाख तक जिनका कर्जा है वो पूरा कर्जा हम माफ कर रहे हैं। जो बचे हुए किसान हैं ओवरड्यू, उनके लिए 1.5 लाख तक की ओटीएस की योजना हमने लाई है। और जो नियमित रूप से भरने वाले किसान हैं उनको भी 25% या अधिकतम 25,000 तक अनुदान के रूप में देने का फैसला ये राज्य सरकार ने किया है। और देश की सबसे बड़ी तो जबरदस्त दबाव के बाद फडणवीस सरकार का ये ऐलान और ये तोहफा उन किसानों को जो कि कर्ज माफी चाहते हैं, लेकिन इस कर्ज माफी के लिए सरकार को खुद ही लोन लेना पड़ेगा। तो में फडणवीस सरकार ने 1.5 लाख तक के कृषि लोन को माफ कर दिया है। इससे 89 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए सरकार को खुद लोन लेना पड़ेगा, लेकिन सरकार का ये बड़ा ऐलान क्योंकि लंबे वक्त से दबाव बन रहा था सरकार पर कि वो किसानों की कर्ज माफी करें, क्योंकि बहुत सारे किसान कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे थे। कर्ज माफी के लिए सरकार बैंक लोन लेगी और 90 लाख किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा।